इस क्लास में बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। तो पहले बात करते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, फिर बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई आपका एक लाइन है जो क्या एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और कुछ एक दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो उस सिचुएशन में उस लाइन के इक्वेशन पहले निकालते हैं, ठीक है। हमारा पहला सिचुएशन है कि जो आपका लाइन है वो क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। जो गिवन वेक्टर है उसको सिंपली बी वेक्टर से डिनोट कर दो, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, वो लाइन क्या किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो जो पॉइंट है उसको कोई ए पॉइंट दे दो, ठीक है। और कोई सपोज कर लो एक पॉइंट आर है जो क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि वो हमेशा कौन सा ए आर, अगर हम लाइन ज्वाइन कर ले तो ए आर लाइन हमेशा ही क्या बी वेक्टर के साथ पैरेलल आ रहा है, ठीक है। बी मूव कर सकता है नीचे, सॉरी पीछे और आगे की तरफ, इधर भी मूव करेगा इधर भी मूव करेगा, लेकिन इस कंडीशन में मूव करेगा कि ये लाइन हमेशा इसके क्या हो पैरेलल हो, ठीक है। तो देखो जो ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए से डिनोट कर दो और आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर से डिनोट कर दो, ठीक है। तो देखो जो आपका ए आर वेक्टर है वो क्या लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो हो सकता है कि लैम्डा का वैल्यू वन हो जाए, मतलब ये लेंथ बराबर हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसके कुछ मल्टीपल के रूप में हो, इसलिए क्या लिखा हुआ है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो सिंपली ए आर वेक्टर किसके बराबर होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, आर वेक्टर निकालना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, किसी भी एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। आर हमारा मूवेबल पॉइंट है, वो हमेशा इस तरह से मूव करेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमको मिलता रहे, ठीक है। इस तरह से मूव करेगा कि आपका ए आर हमेशा क्या हो बी के पैरेलल हो, ठीक है। तो आर आपका किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पैरेललाइजेशन, जब आपका कोई एक लाइन किसी एक गिवन फिक्स पॉइंट से पास हो रहा हो और किसी एक दूसरी लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट, क्या लिख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, ए आपका क्या होगा हमेशा सारे क्वेश्चन के लिए फिक्स होगा। और बी क्या होगा, आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है, कि आपका जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, इसको नोट करो, फिर बात करते हैं सेकेंड बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, जब आपका लाइन किसी दो गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है। ये दो गिवन पॉइंट क्या होंगे, हमेशा फिक्स होंगे, ठीक है। सपोज कर लो कोई पॉइंट ये ए है और ये कोई पॉइंट बी है, तो जो आपका लाइन है वो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से पास होगा। सपोज कर लो कोई एक और पॉइंट आर है जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मूवेबल पॉइंट है ये, आर पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि जो आपका लाइन है हमेशा ए बी से पास करे, आर आपका इधर आए चाहे और पीछे चला जाए नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे मूव करेगा कि वो लाइन हमेशा ए बी से पास हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए का पोजिशन वेक्टर ए से डिनोट कर देते हैं और बी का पोजीशन वेक्टर बी से डिनोट कर देते हैं और आर का पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जो आपका ए आर वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि देखो एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये वाला किसके बराबर होगा, इसके लैम्डा टाइम्स के बराबर होगा। ये वाला बड़ा है तो ये लैम्डा क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको इक्वल करने के लिए। अगर आर आपका मूव करके यहाँ पे आ जाए तो लैम्डा, सपोज कर लो आर आपका मूव करके यहाँ पे एकदम बीच में आ गया ए बी के, तो आपका ए आर किसके बराबर होगा, आधे टाइम्स ऑफ ए बी, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इस रिलेशन से, ठीक है। तो देखो ए आर किसके बराबर होगा, आर माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब क्या बी माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, आर के टर्म में निकालते हैं, तो आर किसके बराबर होगा, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, ए बी फिक्स पॉइंट है, बी भी आपका फिक्स पॉइंट है, आर क्या है मूवेबल पॉइंट है, इस तरह से मूव करेगा कि जो आपका लाइन है हमेशा ए बी पॉइंट से पास हो, ठीक है। इसको नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशन के बारे में, कंटिन्यू करते हैं। अब क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, तो इसमें भी दो सिचुएशन देखेंगे, जब आपका लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा हो और एक पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि जब आपका लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा हो और किसी दूसरे एक गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, और जो आपका गिवन वेक्टर है उसका डायरेक्शन को
कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हमको गिवन हो, ठीक है। तो सपोज कर लो ये कोई पॉइंट ए है जहां से आपका कोई एक लाइन पास हो रहा है, और कोई एक आर पॉइंट ले लो जो क्या करेगा, मूव करता रहेगा। इस तरह से मूव करेगा कि जो आपका ए आर पोजिशन वेक्टर है वो हमेशा इस डी वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है। देखो डी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, सपोज कर लो एल एम एन, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ रखा है। और डायरेक्शन कोसाइन को क्या समझ लो, ए बी सी समझ लो, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी वेक्टर को हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोस के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, इतना हो गया। फिर देखो क्या करते हैं, ए को सिंपली पोजीशन वेक्टर ए से डिनोट, सॉरी इस बार कार्टेशियन फॉर्म में करना है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको ए और आर को पॉइंट के फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट ले लो, सपोज कर लो एक्स वन वाई वन और जेड वन, और आर का कोऑर्डिनेट ले लो एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, ए आर वैक्टर की, ठीक है, तो ए आर वैक्टर वो किसके बराबर होगा, लैमडा टाइम्स ऑफ डी वैक्टर के बराबर, ठीक है। क्योंकि हमने देखो वेक्टर फॉर्म में क्या देखा कि कोई भी अगर लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है और दूसरे लाइन के पैरेलल है तो उनका रिलेशन सिंपली ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ए आर वेक्टर किसके बराबर होगा, ए आर वेक्टर आपका ये माइनस ये, कोई भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उनका वेक्टर आप आराम से डिनोट कर सकते हो, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, ठीक है, इतना हो गया। ये किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर, डी वेक्टर किसके बराबर है, इतने के बराबर है। तो क्या करो, लैम्डा सब में मल्टीप्लाई करके देख लो, मतलब क्या, लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप, ठीक है। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में हम आइजेक के कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं सिंपली कोऑर्डिनेट के टर्म में अपना रिजल्ट निकालते हैं, तभी क्या लिखा हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आइजेक के कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करने से आपको आई के कंपोनेंट क्या क्या मिले गए हैं, एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा ए, और वाई जे के कंपोनेंट की बात करें तो कितना मिलेगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा बी, और के कंपोनेंट की बात करो तो जेड माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा सी के बराबर है, ठीक है। और ये सभी अगर देखो यहाँ पे भी लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा, अगर हम क्या करें, ए को इधर डिवाइड करें, बी को इधर डिवाइड करें, सी को इधर डिवाइड करें, तो सभी जो रिलेशन बनेगा एक कॉन्स्टेंट नंबर लैम्डा के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम वही करते हैं, क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपान ए, ये किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर, और क्या, y माइनस वाई वन अपान बी, वो किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर, z माइनस जेड वन अपान सी, वो किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर। मतलब क्या, सिंपली आप लिख सकते हो y माइनस वाई वन अपान बी, और ये किसके बराबर होगा, z माइनस जेड वन अपान सी के बराबर, ये इसको कॉन्स्टेंट लैम्डा के बराबर लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, जब आपका लाइन क्या हो, किसी एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो, किसी दूसरे लाइन के पैरेलल हो, जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी है। अगर डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लिखना है तो जहां पे ए बी सी है वहां पे आप क्या कर लो, वहां पे सिंपली आप एल एम एन कर लो, क्योंकि हमने देखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो कैसे होते हैं। अगर डायरेक्शन इधर का नोट करो, इसको रब करते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी है और डायरेक्शन रेशियो ए बी, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एल एम एन है और डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो जो आपका रिलेशन होता है एल किसके बराबर होता है, लैम्डा ए, एम लैम्डा बी, एन लैम्डा सी के बराबर होता है, ठीक है। तो लैम्डा 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 नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, और अगर डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या करना, एक्स माइनस एक्स वन अपान एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान एन कर देना, ठीक है। बस ये फाइनल आ गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। इसको नोट करो, ये हो गया किसके बारे में, जब कोई आपका लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपका लाइन किसी दो पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज करो हमारे ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट सपोज कर लो एक्स वन वाई वन जेड वन है, और बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू और जेड टू है, ठीक है। कोई एक लाइन है जो क्या कर रहा है, इस ए बी पॉइंट से पास हो रहा है, और कोई एक आर पॉइंट ले लो जो क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या देखा कि जब कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा हो
तो उसका रिलेशन कैसे निकलता है, डायरेक्शन रेशियो के टर्म में x माइनस एक्स वन अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी, जो भी किसके बराबर होता है, कॉन्स्टेंट लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए बी लाइन के बारे में, ठीक है, तो ए बी लाइन किसके बराबर होगा आपका, यक्स टू माइनस यक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो हमने देखा है कि कोई भी अगर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है या कौन सा वेक्टर है हमको नहीं फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वेक्टर है तो उसके आई जे के का कंपोनेंट क्या होता है, उस लाइन का या उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। और इसी लाइन या इसी वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो इसको क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो सब बात बहुत बार दिया है। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, डायरेक्शन रेशियो के टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 क्या है, इस AB लाइन या AB वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। मतलब ये किसके बराबर है, A ये B ये आपका C के बराबर है। ठीक है, तो क्या करो ABC की जगह इनको क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या हो जाएगा, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 माइनस जेड वन। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन जब आपका कोई लाइन दो गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो। और आर क्या है, एक मूवेबल पॉइंट है, ऐसे मूव करेगा कि जो आपका दो जो दोनों पॉइंट है वो हमेशा लाइन के अंदर ही लाई करे। ठीक है, इनको नोट करो। कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ये एंड ये। कोई भी आपका दो पॉइंट से आपका कोई लाइन पास हो रहा है उसका आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको कोई पॉइंट ए बोल दो, इसको कोई पॉइंट बी बोल दो। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आई कैप, इसको स्मॉल ए से डिनोट कर दो। ठीक है, माइनस आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस टू के कैप के बराबर। और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी से डिनोट कर दो, वो किसके बराबर होगा, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। ठीक है, जे प्लस फाइव के कैप इतना हो गया। तो देखो हमने देखा है कि कोई भी अगर एक लाइन किसी दो फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है तो उस केस में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी सॉरी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी एक आर वेक्टर है जो क्या है, इस लाइन के अंदर लाई कर रहा है, जो इस तरह से मूव करेगा कि जो आपका लाइन है वो हमेशा ए बी पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है, तो वही बात करते हैं आर वेक्टर के इक्वेशन के बारे में, तो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, ये मतलब क्या, माइनस आई कैप प्लस टू के कैप। ठीक है, ये और क्या, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर, बी ये है ए ये है, सबट्रैक्ट करो, थ्री माइनस ऑफ माइनस वन मतलब कितना हो जाएगा, ये फोर आई कैप हो जाएगा। और यहाँ पे फोर जे है और यहाँ पे जीरो जे मतलब कितना है, फोर जे कैप। और यहाँ पे 5k है 2k मतलब कितना हो जाएगा, 3k cap। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसको ओपन भी कर सकते हो, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करना, फिर आई आई के कंपोनेंट और के कंपोनेंट जे जे के कंपोनेंट को अलग अलग कर देना। ठीक है, आप यहाँ पे भी रोक सकते हो या क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, नोट करो, अगर इसी क्वेश्चन को आपको कार्टेशियन फॉर्म के अंदर करना है तो उसके उस लिए क्या करोगे, आप पॉइंट्स को लोगे, पॉइंट आपके पास ए है और पॉइंट बी है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, जब आपका लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा हो, एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान Z2 माइनस Z1 के बराबर। ठीक है, तो इसको X1, Y1, Z1, X2, X2, Y2, Z2 मान दो, और कोई R पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट X, Y, Z है वो हमेशा मूव करता रहेगा, उसको मान लो। ठीक है, तो पुट करते हैं X माइनस X1 कितना है, माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपान X2 माइनस X1 तो 3 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू Y माइनस Y1 तो Y y1 कितना है, 0 है तो उसको छोड़ दो, अपान Y2 माइनस Y1 तो 4 माइनस 0 मतलब 4 इक्वल टू जेड माइनस जेड वन कितना है, टू अपान जेड टू फाइव जेड वन थ्री मतलब क्या, फाइव टू थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो जो हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। अब किसी भी दो को उठाओ, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है ना, मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है,